विश्वान् सविष्टान् पश्चाचर्ण्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषाश्रयेण सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगण पात्वसौनस्तुरीय देखो जी, इस प्रकार से अन्योन्यवादियों की इस कथन से क्या निष्कर्ष निकलते हैं वह कहना चाहते हैं। जब पुनर्अन्योन्य पक्षम प्रतिक्षिपत भी अजातिर वस्तु तो ज्ञापिता परीक्षके इति उपक्षिप्तम, ये जो कहा गया है कि एक दूसरे को जब पुनर्अन्योन्य पक्षम एक दूसरे के पक्ष को प्रतिक्षिप भी प्रतिक्षिप भी मतलब दूसरे के पक्ष को आक्षेप करने वालों के द्वारा है ना पारमार्थिक सृष्टि होना संभव नहीं है यदि उपक्षिप्त ये जो प्राप्त हो रहा है तत्र कथम अजाति वस्तु तो ज्ञापिता। इस प्रकार से हम बोलते हैं सत से उत्पन्न नहीं होता मतलब असत से उत्पन्न होता है, वो बोलते हैं मैं कहता हूँ असत से उत्पन्न तो सत से उत्पन्न होता है, हम और उत्पन्न नहीं होता मतलब ये नहीं कि हम तो इससे उत्पन्न होता है ऐसे उत्पन्न होता है, तो तुमने बोलते उत्पन्न नहीं होता एक ऐसे हमने निर्णय कर लिया ये बोलता है यहाँ पे तत्र कथम अजाति वस्तु तो ज्ञापिता इनमें के द्वारा अजाति पारमार्थिक बोध कराया गया कैसे पता लगा आपको, ऐसे शंका करने वाले बोलते हैं अरे भाई यदि हुई होती ना तब तुम लोग निश्चय करके एक ही रूप बोलते, सब अलग अलग बोलते हैं कि ये सब अपने आप में जो दिमाग में बैठा रखा तक अनुकूल बोलना वास्तविक प्रकार प्रमाण के अनुसार नहीं चल रहा इस अभिप्राय से बोलते हैं। तो यद पुनर्अन्य पक्षम प्रतिक्षिप्त मतलब एक दूसरे के पक्ष के ऊपर आक्षेप उठाने वाले दार्शनिकों के द्वारा अजाति वस्तु तो ज्ञान बिना पारमार्थिक विस्तृत सृष्टि होना संभव नहीं, ये जो आपने निष्कर्ष निकाला ये जो कैसे निकाला आपने और यदि उपक्षिप्तम तत्र प्रथम अजाति वस्तु तो ज्ञान उन्मूलन के द्वारा अजाति को बोध कराया गया तो इस निर्णय में आपने कैसे पहुँच गया ऐसे शंका करने पर उत्तर दे रहे हैं। यदि सृष्टि हुई होगी तब जो कार्य उत्पन्न होकर दिखाई दे रहा है तो आपको तब उस समय कार्य नहीं दिखाई देगा, तो आपको कार्य उत्पन्न आप कौन पहले वो भी आपको दिखाई देगा,
इसीलिए यदि ये जब नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि जब समझ में नहीं आ रहा, यानी कि है नहीं वहाँ पर, इसलिए बोलते हैं पूर्वापरा परिज्ञानम मजाते परिदीपकम् जायमानाधिवैधर्मात् कथं पूर्वं न गृह्यते पूर्वापरा परिज्ञानम् मजाते परिदीपकम् जायमानाधिवैधर्मात् कथं पूर्वं न गृह्यते आपने बोला कि नहीं कौन पहले है पता नहीं है, कौन बाद में ये पता नहीं है, पूर्वा परम अपरिज्ञान, इसको जो आप नहीं समझ में आता है, यही जो है आजादे परिदीपकम जन्म, मतलब सृष्टि होना संभव नहीं है, उसका प्रकाशक है, उसका प्रकाश क्या प्रकाशक है, आप जो विवाद करके जो बोलते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है, कौन पूर्व है कौन बाद में, यह निर्णय नहीं कर पाता है, बस इतना ही अज्ञान से सिद्ध होता है कि सृष्टि पारमार्थिक होना संभव नहीं है। अब बताओ यदि आपको सामने दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ती है, कि घर उत्पन्न है, घर उत्पन्न मिलती है तो घर की उत्पत्ति के कारण भी दिखाई पड़ रहा है, तो यदि ऐसा ही जायमान वस्तु आपको दिखाई दे रहा है तो उसका कारण क्यों नहीं दिखाई देगा, जायमान वस्तु यदि आपको दिखाई दे रहा है तो उसका कारण क्यों नहीं दिखाई देगा, जायमानात ही वही धर्म जो कार्य जो उत्पन्न हो रहा है उससे प्रथम पूर्वक न भी है तो उसके पहले क्या था, यदि वो दिखाई देता तो पहले क्या था, क्यों नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये जो है पारमार्थिक सृष्टि होना संभव ही नहीं है। वहाँ पर देखो एक नंबर जिसने बोल रहा है पूर्वा पर अपरिज्ञान मतलब कार्य कारण भाव अनवधारण, ये कार्य ये कारण है ऐसा करके निश्चय करके नहीं बोलते, तुम क्या बोलते हो, जो कार्य वो भी कारण बन जाता है, जो कारण वो भी कार्य बन जाता है, ये तुम समझ ही नहीं पाते उसको, इसका अभिप्राय क्या है, इसलिए बोलते हैं कार्य कारण भाव अनवधारण, कार्य कारण भाव को निश्चय नहीं कर पाना, यही जो है कार्य कारण भाव पारमार्थिक नहीं है, ये सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है। दो नंबर बोलते हैं जायमानात हिवै धर्मात् कथं पूर्वं न गृह्यते, जायमानात धर्मात् बोलते हैं जायमानात इत्यादि प्रसिद्धात् अवधृतात् उत्पन्नमानात् कार्यात्, जो कार्य आपको उत्पत्ति होते दिखाई दे रहे इस कार्य से आपको कारण का क्यों नहीं निश्चय हो सकता, पूर्व में क्या था क्यों नहीं सिद्ध है, जय प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध है अवधृता जो आपको सामने धारण किया हो, उत्पन्न मानत कार्य उत्पन्न माना उत्पन्न हो रहा है जो कार्य आप इसको बोल रहे हैं आपको क्या निश्चय हो रहा है कि ये कार्य है उत्पन्न हो रहा है, यदि आपको सामने कोई कार्य उत्पन्न होते दिखाई दे रहा है तो उसका पहले कारण आपको नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा, इसीलिए आप कैसे बोल सकते हैं कि हम पूर्व पर के ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है मतलब क्या, कहीं कुछ छुपा हुआ और है समझ में नहीं आ रहा है, उसे ही है कि पारमार्थिक उत्पत्ति नहीं है, इसलिए होता है प्रसिद्धात् अवधृतात् अवधारण किया हुआ है उत्पन्न माना, जैसे आपने निश्चय किया कि कार्य उत्पन्न हो रहा है, यदि ऐसे ही आपने निश्चय किया तो उसे कारण क्यों नहीं निश्चय कर पाओगे, कारण क्यों नहीं निश्चय कर पाओगे, ये जायमाना थी भाई धर्म, धर्म मतलब कार्य जो कार्य उत्पन्न और पंचम है जायमानात कार्य, यदि जायमान कार्य आपको दिखाई दे रहा है तो कारण क्यों नहीं दिखाई देगा, प्रथम पूर्वक ना गृह है तो उसका पहले क्या था क्यों नहीं दिखाई देगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, पूर्व कारण विद्यार्थी उसके पहले क्या था वो समझ में क्यों नहीं आएगा, वो तो आना चाहिए परंतु नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सृष्टि पारमार्थिक नहीं आई, प्रतिदिक आपको यहाँ पे उत्पत्ति कैसे होता है बताओ, यहाँ पे जो सृष्टि उत्पत्ति क्या होता है, जैसे क्या बोला था पूर्वा पर यदि परिणाम बात होगा तो पूर्वा पर होगा, तब यदि विवर्त बात होगा तब क्या हो जाएगा, एक साथ उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें दो एक साथ उत्पन्न क्या होने से क्या हो जाएगा असंबद्ध विषाणुबद्ध, क्यों बोला वहाँ पे सब जब आपको जब तक आपने रज्जु की तरफ नहीं देखा तब तक वहाँ पे सर्प उत्पत्ति नहीं हुई, ठीक है, रज्जु की तरफ दृष्टि जाते ही एक ही साथ आपको रज्जु में सर्प की उत्पत्ति दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है रज्जु हम कल्पना कर रहे हैं सर्प, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है रज्जु बंध हम कल्पना कर रहे हैं सर्प, तो एक ही साथ आपके सामने दो वस्तु की उत्पत्ति होगी, तो ये युगपत युगपत जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है दोनों में संबंध नहीं होता है असंबंध विषाणुवत, इसलिए यहाँ पे जो है कि ये चीज जो है मुख्य रूप से हमारे यहाँ पे परिणाम बात को क्यों मानते हैं, अधिष्ठान तत्व को देख करके हम उसी को परिणाम रूप में तुरंत कल्पना कर लेते हैं, है वहाँ पे निर्विशेष सारा सब विशेष रूप में दिखाई पड़ते हैं, ज्ञान होने के बाद पता लगता है कि वह निर्विशेष है,
यहाँ पे ये बोल रहे हैं यहाँ पे कारणम इति मतलब जायमाना धिवई कार कबई धर्मा धर्मा मतलब कार्य उत्पन्न हो रहा है जो कार्य उसके पहले क्या स्थिति में थी अथवा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है ये क्यों नहीं आपको समझ में आएगा यदि आपको कार्य उत्पत्ति होते हुए दिखाई दे रहा है कार्य उत्पत्ति होते हुए दिखाई दे रहा है तो उत्पन्न हो क्यों कहाँ से उत्पन्न कभी नहीं समझ में आएगा क्यों नहीं समझ मतलब दिखाई दे वो भी दिखाई देना चाहिए पूर्वम शब्द कारणम इति अर्थ अब देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं कार्यस्य गृहमानत्वा ग्यारह नंबर न ठीक है यद पुर अनन्य पक्षम प्रतीक्षिपत फिर अजाति वस्तु तो यहाँ पिता परीक्षक उपक्षिप्तम तत्र प्रथम अजाति वस्तु तो यहाँ पिता इस प्रकार आपस में विवाद से आपके अंदर अजाति का निश्चय कैसे हो सकता है तो ग्यारह नंबर तत्र मतलब परस्पर पक्ष प्रतिक्षेप रूप निमित्ते रहती अर्थ मतलब एक दूसरे का विरोध करता है ये पक्ष प्रतिपक्ष लेकर के आपस में इससे आपने अजाति का निर्णय कैसे ले लिया वो तो बोल रहे हैं कि सत्य जन्म होता है वो बोलते हैं असत्य जन्म होता है आपने क्या पकड़ लिया कि असत्य जन्म नहीं हो सकता सत्य जन्म नहीं हो सकता उसको पकड़ ऐसे क्यों पकड़ लिया आपने हम तो बोल रहे हैं कि सत्य जन्म होता है बोलते हैं असत्य जन्म होता है ये तो हम बोलते तो उस बात को बोलने से क्या बोलेगा ए तुम्हारा पक्ष ठही नहीं सत्य उत्पत्ति नहीं हो सकता हमारे पक्ष का तो असत्य उत्पत्ति होता है इसको आपने क्यों छोड़ दिया केवल बोलते ये तो दोनों विवाद कर रहे हो तुम बोलते हो सत्य उत्पत्ति बोलते असत्य उत्पत्ति और आर्टिट क्या कॉमन बोल रहा सत्य उत्पत्ति संभव नहीं असत्य उत्पत्ति संभव नहीं इसलिए आप उसको पकड़ा हमारे पास तो लॉजिक है इसलिए आप उसको पकड़ा तो यहाँ पे बोलते हैं कि परस्पर पक्ष प्रतिक्षेप रूप निमित्त न एक दूसरे को पक्ष और प्रतिक्षेप एक अपने सिद्धांत को मना करके स्वपक्ष मंडन परपक्ष खंडन इसके माध्यम से आप सारा खंडन कैसे कर दिया सारा खंडन कैसे कर दिया बोलते कोई एक पक्ष मंडित होता ही नहीं है यदि सभी बातें मिल करके एक पक्ष में आ जाएगा तो मान ही नहीं आ जाता इसीलिए हमें बोलते हैं कि परस्पर पक्ष प्रतिक्षेप रूप निमित्ते नहीं थी अर्थ तत्र इस निमित्त से कथम अजाति वस्तु तो ज्ञान भी था पारमार्थिक अजाति अजाति मतलब जन्म नहीं रहित तो ये बोध कैसे हो गया इति असंगत तो बोलते बोलना ठीक है अब आइए फिर टीका कार्यस्य गृहमानत्व मतलब आपको कार्य ग्रहण हो रहा है अर्थात की उत्पत्ति दिखाई दे रही गृहमानत्व अजाति असिद्ध जन्म नहीं हुआ ये कथन आपका सिद्ध नहीं होता गुरुवादी बोलते सभीवादी आपने सभीवादी इकट्ठे हो गए अजातवाद केवल एक वेदांती पक्ष है और सभीवादी जब जात पक्ष है तो आप सब इकट्ठे हो गए तुमने ऐसा कैसे कर दिया कि जन्म उत्पन्न बोलते हैं कार्य गृह कार्य तो दिखाई दे रहे उत्पत्ति होते हुए तो अजाति अजाति असिद्ध है इसलिए जन्म नहीं सिद्ध नहीं होता इति आशंक ऐसा सभीवादी मिलकर के जब शंका करते हैं कारण से पितरी ग्राह्यत्व तब कहाँ से उत्पत्ति है ये बताओ सब मिलकर के इकट्ठे होकर बताओ सत्य हुआ कि असत्य अलग अलग क्यों बोलते हो कार्य दिखाई दे रहा तुमको दिखाई दे रहा ठीक है कोई बात नहीं आप यदि कार्य की उत्पत्ति पर कोई कारण चाहिए तो तुमको भी जब कार्य उत्पत्ति देगा तो कारण दिखाई दिया तो बताओ तुमको भी होगी तुम उत्पत्ति बोलो तुम भी उत्पत्ति बोलो तुमको अलग कारण दिखाई दे उसका अलग कारण दिखाई दे परंतु वो तो सही नहीं हो सकते कि एक जगह भी खड़े होकर के बोलते तब हम मान लेते इसलिए बोलते हैं कार्यस्य गृहमानत्वात् अजाते असिद्ध इति आशंक कार्य वहाँ पे ग्रहण होने के कारण इसीलिए जन्म नहीं होता फल दिखाई दे रहा है इसलिए ये कहन आपका शंका सही नहीं है असिद्ध मतलब जन्म नहीं होता सिद्ध नहीं होता इति आशंक ऐसा शंका उठा करके पूर्व सब एक साथ मिलकर के हल्ला करने लग गए कारण अश्व पैतरिक हाँ तो ठीक है सही बोला तुमने कार्य देखा तो कारण बताओ यहाँ पे अलग अलग क्यों हो जाते हो यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ तब हम जो सिद्धांत मानेंगे इसलिए बोलता है कारण ही गाय होता है कारण का भी ग्रहण है इतर इतर आश्रयात अजाति अतिव्यक्ता अतिव्यक्ता सिद्धता इसलिए जो तुमने कार्य से कारण से कार्य इस प्रकार से इतर इतर आश्रय करके बनाते हो ना इससे क्या होता है ये सिद्ध अजाति मतलब जन्म रहित अतिव्यक्ता स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो जाते हैं केवल व्यक्त नहीं होती व्यक्त मतलब ये जो जन्म रहित जो है स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है सिद्ध हो जाता है वहाँ पे 12 नंबर टिप्पणी लिखी है इतर इतर आश्रयात अजाति अति व्यक्ता एक दूसरे के आश्रय होने के कारण तुम तो कार्य से कारण से कार्य इस प्रकार से आप कहते रहे तो ये तो क्या होता है अनन्य आश्रय दोष की तरह ग्रसित हो जाता है इसलिए यहाँ पे जो है वास्तविक उत्पत्ति होना संभव नहीं है यही अभिव्यक्त हो जाता है तो 12 नंबर टिप्पणी इतर इतर आश्रय कार्य तस्व कारण निरूपण
कारण ज्ञान मंत्रेण कार्य तस्य गृहमानत्व अनुपपत्ति। एक थोड़ा सा स्पष्ट समझाने के लिए एक थोड़ा सा उत्कट दृष्टांत देंगे। कोई नारी मानता है कि उसके अंदर पुत्र प्रसव करने की सामर्थ्य है, आपको समझ में कब आएगा, शादी से पहले की शादी के बाद? कार्य उत्पत्ति होने के बाद, कार्य उत्पत्ति होने के बाद इस कारण में इस कार्य उत्पन्न करने का सामर्थ्य है ये पता लगता है। कार्य उत्पन्न होने के बाद इस कारण में इस प्रकार की कार्य को उत्पत्ति करने के, आपके पास बालू भी पड़ा हुआ है, सरसों भी पड़ा हुआ है, आपको तेल निकालना है, आप बालू को उठाओगे कि नहीं उठाओगे? क्यों नहीं उठाओगे? कैसे पता लगा आपको? क्योंकि पहले आपने सरसों से तेल को निकालते हुए देखा, यानी आपको पहले पता नहीं लग सकता कि इन दोनों एक ही प्रकार देखने में पड़ा हुआ है, इसमें कौन तेल उत्पन्न करने वाला है। आपको कब पता लगेगा? जब आपको कार्य उत्पन्न हो जाएगा तब, उससे पहले पता नहीं लग सकता, ठीक है ना? यानी कि कार्य को देख करके कारण, इसके अंदर इसके कारण है, कब निर्णय कर पाओगे? जब कार्य उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है? ठीक इसी प्रकार ये कारण है और ये कार्य है, ये कब उत्पन्न निर्णय होगा? जब इसको इसको उत्पन्न करने का सामर्थ्य होगा तब इसमें कारण आता है, नहीं तो उसके पहले कारण आता नहीं हो सकता। इसी को जो सुंदर शब्द समझ लें, कार्य कारण भाव को निरूपण कर, कैसे मतलब कार्य उत्पन्न होने के बाद ही कारणत्व निरूपण होता है, यदि तरह से इसीलिए बोलते हैं कार्य तस्य कारण निरूपणत्वेन। वो जो कार्यत्व रूपी धर्म है वो कारणता का निरूपण करने के लिए हेतु बनता है। कार्य उत्पन्न होने के बाद इस वस्तु में इस वस्तु की उत्पत्ति करने की सामर्थ्य तब पता लगता है। कार्यत्व कारण निरूपत्वेन कारण ज्ञानम अंतरेण, कारण के ज्ञान के बिना कार्यत्व गृह मानते। आपने क्या बोला कि जो है हमको कारण ग्रहण नहीं होता, यदि तुम्हें उत्पत्ति दिखाई दे रहा है तो तुम्हारा उसका कारण का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य की उत्पत्ति, उसके उत्पत्ति उसकी कार्य जिसके अंदर इसके कारण आता है, मतलब इस कार्य को उत्पन्न के समय तो बताता है वो, और आप कारण को निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए जो है उत्पत्ति हुई नहीं। यदि उत्पत्ति हुई होती तब तुम्हें कारण आता ही पता लग जाता, कारण का ही पता लग जाता। इसलिए बोलते हैं थोड़ा टिप्पणी को थोड़ा सा अच्छी तरह समझना इसको, तब आपको देखना अजातवाद कैसे सिद्ध हो जाएगा। कार्यत्व मतलब कार्यत्व रूपी धर्म है, उसका कारण निरूपण तेन, उसी से तब कारणता निरूपण होता है। कारणता के निरूपण कब होगा? कार्य उत्पन्न होने के बाद। कारण ज्ञान अंतरेण कार्य तस्य गृह मानत्व अनुपपत्ति, इसलिए जिससे जो वस्तु उत्पन्न हो रहा है उसको देखे बिना इसके अंदर इसकी उत्पत्ति करने के सामर्थ्य है, आप कैसे कर निर्णय कर सकते हो? इसीलिए बोलते हैं कारण ज्ञानम अंतरेण, कारण ज्ञान के बिना कार्यत्व गृह मानत्व, ये इसके ये कार्यत्व धर्म है, इसके अंदर ये आप निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए कार्य के साथ कारण का भी ज्ञान होता है, कारण का ज्ञान हुए बिना इस प्रकार का इसका कार्य नहीं बोल सकते। अब जब आप बोल रहे हैं कि कार्य की उत्पत्ति कारण की पता नहीं लग रहा है, यानी कि कार्य उत्पत्ति नहीं हो रहा है। यदि कार्य की उत्पत्ति आपको दिखाई दी होती तो आप कारण का भी पता लगा लेते। इसलिए वो यहाँ पे कार्य तस्य कारण निरूपणत्वेन कारण ज्ञानम अंतरेण, कारण ज्ञान के बिना कार्य तस्य गृह मानत्व, इसके अंदर इस प्रकार कार्य धर्म है ये जो ग्रहण हो रहा है वो होना संभव ही नहीं है। इसलिए भवत्ते तदर्थ कारण ग्रहण आवश्यक हम, इसलिए यदि आप कहते हैं कि कार्य की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि कारण की ग्रहण भी आवश्यक है, इसके बिना आप नहीं कह सकते, इसका ये कारण है, ठीक है? तदर्थ मतलब कार्य तो दिखाई देने के कारण, अब उसके अंदर कार्यकरण भाव को सिद्ध करने के लिए आपको कारण का भी ग्रहण होना चाहिए। मतलब आप कारण नहीं बोल सकते, पूर्वापर नहीं बोल सकते, मतलब आप कैसे उत्पत्ति सिद्ध कर सकते? ये सूक्ष्म मैं बोला कि इसमें थोड़ा लॉजिकल एप्लीकेशन अधिक है। आप अनंत मास्टर बोल रहे हैं कार्य उत्पत्ति हो जाए तभी आपको पता लगेगा कि इसके अंदर ये कारण इस वस्तु के अंदर इसको उत्पत्ति करने की सामर्थ्य है, इसके पहले नहीं होगा। इसलिए है इसका ऊपर इसके इसके ऊपर आश्रित है, ये इसका कारण है, मतलब तिल तेल का कारण है। कब पता लगेगा? जब कार्य उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना? तिल के अंदर कारण आता है, ये कार्य उत्पत्ति से पता लगता है। आप फिर तिल चाहिए तो आपको क्या करेगा, एक तेल चाहिए तो आपको तिल लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या है इसकी कारणता पहले देखा,
इससे यह सिद्ध होता है, कारणत्व तो सिद्ध होता है, इसमें कारणत्व तो सिद्ध है, इसलिए आगे जब आपको तिल चाहिए तब आप उसको तिल को ग्रहण करते हो, बाली को नहीं लेते, इसलिए आप ही दोनों एक दूसरे का आश्रय अनन्याश है। कार्यत्वस्य कारण निरूपणत्वेन कारण ज्ञानम अंतरेण कार्यत्वस्य गृह्यमानत्व अनुपपत्ति, क्योंकि कारण के ज्ञान के बिना कार्य के ज्ञान होना संभव नहीं है, तदर्थम कारण ग्रहण आवश्यक, इसलिए उसको कार्यकरण भाव को निर्णय करने के लिए आपको कारण का भी ग्रहण होना चाहिए आवश्यक एवं ठीक इसी प्रकार से कारणत्वस्य भी इसके अंदर इस वस्तु की उत्पत्ति करने की क्षमता कारणता है, इसमें दूध में दही की उत्पत्ति करने की समर्थ है, कारणता है, वो कारणता निरूपण करने के लिए कारणत्वस्य भी कार्य निरूपण ही न कार्य उत्पत्ति न मैंने कार्य निरूपत्ति न जिस कार्य निरूपण हो जाने पर तब जाके कारणता निरूपण होता है। दही चाहने वाले व्यक्ति तेल लाएगा बाजार से कि नहीं लाएगा? नहीं लाएगा, क्यों? कुछ पहले से उसके कारणता निरूपण है वहाँ, इसीलिए बोलना है कि कारणत्वस्य भी कार्य निरूपत्ति न, पहले कहीं पर कार्य उत्पत्ति देखा, कार्य ज्ञान बिना कारण ग्रहण अनुपत्ति, कार्य ज्ञान के बिना कारण की ग्रहण नहीं करते हमको। अच्छा कौन सा मृत्तिका से हरा उत्पन्न हो सकता है? सभी मृत्तिका से नहीं हो सकता है, इस प्रकार कारण ज्ञान रहने पर तभी मृत्तिका की ग्रहण करते हैं व्यक्ति। हमें इस प्रकार की वस्तु जैसे देवी मूर्ति उत्पन्न करना है, सामान्य यहाँ पे बाहर वाला वस्तु से उत्पन्न होने वाला नहीं है मिट्टी, गंगा जी के मतलब नीचे कलकत्ता आदि में वो गंगा जी का मिट्टी से उत्पन्न होता है, यहाँ से उत्पन्न नहीं कर सकते उस पति, यहाँ से यही वही गंगा जी। यानी कि कार्य को देख करके जिस प्रकार के कार्य आपको चाहिए उसको करके कार्य को उत्पन्न करने के कारणता किसमें है वो ज्ञान होने पर तब जाकर आप उत्पन्न कर सकते, इसलिए कारणता के ज्ञान से कार्य की प्राप्ति होती है, कार्य के ज्ञान से कारणत्व की बोध होती है, इसलिए जब एक दूसरे का आश्रित है। एवं कारणत्वस्य अपि कार्य निरूपणत्वेन कार्य ज्ञान बिना कारण ग्रहण अनुपपत्ति, कार्य के ज्ञान के बिना कारण ग्रहण संभव नहीं है। हम मतलब देवी मूर्ति बनाना चाहते हैं, अब इसलिए देवी मूर्ति को मन में रख करके तब उसके कारण का ढूंढते हैं, अब क्यों आप पहले देखा हुआ है कि इस प्रकार की वृत्ति से देवी मूर्ति थे, इसलिए कार्य को देख करके कारण आता है ज्ञान और कारण को देख करके इस प्रकार इस वस्तु से ही उत्पन्न हो सकता है, इस प्रति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से आपका परस्पर आश्रय दोष है, इसलिए कार्य ज्ञान बिना कारण ग्रहण अनुपत्ति तदर्थ कार्य ग्रहण आवश्यक, इसलिए कारण ज्ञान के लिए कार्य ग्रहण भी आवश्यकता होता आवश्यक। इस प्रकार से अनन्य आश्रय कार्य का भाव निर्णय करने के लिए एक दूसरे पर निर्भरित होकर के निर्णय होना पड़ता है, ठीक है ना। जब एक दूसरे पर निर्भरित होकर के जो वस्तु सिद्ध होता है वो पारमार्थिक सिद्ध नहीं होता, आत्मा किसके ऊपर निर्भर करके सिद्ध होगा बोलो? आत्मा को सिद्ध करने के लिए फिर क्या बोध चाहिए? अब बोलेंगे उपाधि के बिना आत्मा की आपको कैसे दिखाओ उपाधि के बिना, तब बोलते उपाधि के सहारा लेकर के दिखाते हैं वो अंधारूप है, इसीलिए हम अंधारूप प्रतिभा है क्योंकि आत्मा को समझने के लिए आत्मा के साथ उपाधि का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के साथ, कोई रज्जु का संबंध नहीं रहता। अब बताओ कि सुक्तिका में रज्जु भ्रांति सर्प भ्रांति क्यों नहीं होती? सुक्तिका में सर्प भ्रांति क्यों नहीं होती? क्योंकि सुक्तिका में सर्प उत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ये कार्य कारण वहां पे नहीं है, रज्जु से सर्प होती है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से प्रत्येक वस्त्र में अपने जो है ये प्रातिभाषिक बात मतलब विवर्तवाद में भी ऐसा परिणामवाद में भी जैसा है, विवर्तवाद में ऐसे ही है, विवर्तवाद में ऐसे ही है। आपको जो है कटा हुआ पेड़ में पानी का भ्रांति कभी नहीं होगा, कटा हुआ पेड़ में पुरुष की भ्रांति हो सकती है, मरुभूमि में बालू को देख करके आपको जो है चांदी का हो सकता है, पानी का हो सकता है, पर सर्प का भ्रांति नहीं होगा वहां पर, दिव्य प्रकाश का मान। इसीलिए प्रत्येक वस्तु में अपने अपनी जो है कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य निर्दिष्ट है, इसीलिए कार्य कारण भाव निर्णय करने के लिए कारण भी ग्रहण के बिना है। यदि आपको कार्य उत्पत्ति होते दिखाई दे रहा है तो कारण का ज्ञान क्यों नहीं होगा? कारण के ज्ञान के बिना कार्य तो कैसे निरूपण कर सकते, इसलिए पूर्वापर अपरिज्ञान। इसलिए हमारे 12 नंबर टिप्पणी पढ़ लेते इतर इतर आश्रय अजाति अतिव्यक्त ऐसे कार्य कारण भाव इतर इतर पर आश्रित होने के कारण यानी जो अन्न के ऊपर निर्भर करके जो वस्तु सिद्ध होता है वो वस्तु पारमार्थिक सिद्ध है, पारमार्थिक वस्तु नहीं है। जिस प्रकार आपको रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे हैं सर्प को आप कभी भी अलग करके नहीं देख सकते, किससे अलग करके?
अधिष्ठान व्यक्ति से अलग करके नहीं दे सकते, मतलब जिसकी अपनी पारमार्थिक मतलब स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं होती वो वस्तु जो है पारमार्थिक नहीं हो सकती। इस प्रकार ये कुर्ता हम पहनी हुई है तत्व के बिना परिणाम बाद में ही घटेगा, परिणाम बाद में ही घटेगा। यदि हम जिस कुर्ता को हम पहने हुए हैं यदि इससे तंतु को निकाल लिया जाए कुर्ता की सत्ता सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई कुर्ता तो मेरा है मैं पहना हूँ, तू तेरा तंतु ले जा या मेरे को नहीं चाहिए तो आप कुर्ता पहन पाए नहीं पहन कार्यकारण भाव मतलब चाहे परिणाम बाद हो चाहे विवर्तवाद है ना, उसका जो है कारण के कारण का ज्ञान तो होना चाहिए। कार्य में जब देखोगे तब कारण का ज्ञान होना चाहिए। अब जब कारण आप नहीं बोल पा रहे हो ठीक से यानी कि दूसरे पारमार्थिक उत्पत्ति है ही नहीं। अब यदि आपको दिखाई दे रहा एक दूसरे के आश्रय होकर के निर्भर होता है तो परस्पर आश्रय होने के कारण वो वस्तु की पारमार्थिकता सिद्धि नहीं होता है। प्राकृतिक प्रमाण से होती है प्रतीति होती है बस इतना ही मनुष्य निश्चित नहीं। कर्णस्य पितरि ग्राह्यतः इतरे इतर आश्रय अजाति अतिव्यक्त सिद्धति इत्यादि जायमानाधिवै धर्मा कथम पूर्वम न गृह्यते। यदि आपको उत्पत्ति होते कार्य दिखाई दे रहा है उसके पहले क्या वस्तु है कैसे वो क्यों नहीं ज्ञान होगा उसका, क्यों क्यों नहीं ज्ञान होगा उसका? इसलिए आप बोलते हैं कि अब जायमानाधिवै तत्र पूर्वार्थम प्रश्न द्वारा विप्रणोति। इस श्लोक में आए हुए जो है श्लोक की आधा भाग पूर्वा पर अपरिज्ञान अजाते परिदीपक है ना, जो पूर्वा पर जो अपरिज्ञान ही अजात के भाग को सिद्ध करता है। ये जो है ये तत्र इस विषय में पूर्वार्थम पहले श्लोक के आधा को प्रश्न द्वारा प्रश्न पूर्वक यहाँ पे व्याख्या करते हैं। अर्थम बुद्धि अजातिर परिदीपे जो आपने कहा बुद्धि अजातिर परिदीपतम यहाँ पे एवं भी सर्वथा बुद्धि अजातिर बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा अजात बात को स्वीकार किया गया। अशक्ति परिज्ञान क्रम क्रम तथा पुनः एवं ही सर्वथा बुद्धि अजातिर परिदीपिता 19 नंबर में ये जो आपने बोला बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा अजात बात को अथवा उत्पत्ति नहीं इसको मत सिद्ध किया जाता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए बोलते हैं कथम बुद्धि अजाति बुद्धिमान व्यक्ति जन्म रहित प्रतिपादन करते हैं कैसे कह दिया या कैसे कह दिया? तब उसका उत्तर में बोलते हैं देखो जब एतद हेतु फल पूर्वा पर अपरिज्ञान ये जो आप जो है हेतु और फल में कौन पहला या अभी तक निर्णय करके नहीं बोल पा अदृष्ट और संघात अदृष्ट और संघात है अदृष्ट और संघात में अदृष्ट हो गया हेतु संघात हो गया फल ठीक उसी प्रकार संघात हो गया हेतु अदृष्ट हो गया फल। इस प्रकार से पूर्वा पर जब निर्णय नहीं कर पा रहे यही जो है अजाति का बोधक है। इसलिए बोलते हैं जब हेतु फल ये हो पूर्वा पर अपरिज्ञान तच्च एतद् अजाते वही जो है इस अजातवाद की परिदीपक का मतलब अवबोधकम परिदीपक का मतलब है इसका बोध कराने वाला ये अजातवाद को बोध कराते हैं। जब एतद् हेतु फलयोर पूर्वा पर अपरिज्ञान ये जो संघातर अदृष्ट संघातर अदृष्ट इसमें जो पहले कौन है इसको जो निर्णय नहीं किया जा पा रहा है यही जो तच्च एतद् अजाते योगी जो है इस अजातवाद की बोधक है ये अजातवाद की बोधक है अच्छा एतद् अजाते परिदीपकम परिदीपकम मतलब अवबोधकम है ना उसका अवबोधक है इति अर्थ। अच्छा भाई आगे बोलता है चार नंबर टिप्पणी तो हमने हाँ चार नंबर टिप्पणी मतलब धर्मम चार नंबर इति आशंकायाम कथम बुद्धि अजाति परिदीपिता इति आशंकाया है ना इति इति मतलब इति इस प्रकार आशंका होने पर इति आह मतलब इति आशंकाया आह क्या है वहाँ पे कथम बुद्धि अजाति परिदीपिता इति आशंकाया टिप्पणी का विश्व शब्द पूरा कर दिया। इस प्रकार शंका होने पर उसको उत्तर में कालिकाकार बोलते हैं उसको उत्तर में कालिकाकार ही बोलते हैं ठीक है। चार नंबर इति आशंकायाम आह कथम बुद्धि अजाति परिदीपिता इति आशंकायाम आह कालिका का उत्तर देते हैं उसके। अच्छा भाई फिर आगे देखिए टीका में आ जाइए नियते पौर्वा पर निर्धारित जाति ही सिद्धति निश्चय करके ये पहले है ये बाद में ऐसा निर्धारण होने पर तभी जा करके जन्म सिद्ध होता है ठीक है ना। मुख्य सिद्धांत है नियते पौर्व्या परे मतलब ये पूर्वा पर भाव जब आपको निर्दिष्ट हो जाएगा नियत मतलब ये निर्दिष्ट हो जाने पर निर्धारित सती पौर्व्या पर ये निर्धारित सती जाति सिद्धति नियते पौर्व्या पर ये निर्धारित सती जाति सिद्धति सभी शब्द में ऐसा होने पर तभी ऐसा संभव है
नहीं तो संभव नहीं है। नियति पर व्यापारी मतलब पूर्वा पर अब आगे पीछे का कौन कैसा है इसको निर्धारण होने पर के तब जाकर जन्म सिद्ध होता है। तद अभावे तद असिद्ध देखिए अन्न या व्यतिरिक्त दिखा रहे हैं। यदि आप पूर्वा पर को निर्धारण नहीं कर पा रहे तब क्या हो जाएगा जन्म सिद्ध नहीं होगा व्यतिरिक्त दिखा रहे। तद अभावे तद असिद्धि मतलब पूर्वा पर जो निर्धारण अभावे पर्या पर निर्धारण अभावे जाति असिद्धि तद अभावे तद असिद्धि ठीक है उसको समझ में आया। दोनों प्रोनाउन है वहाँ पे पहले अन्नय को देखिए पूर्व पूरा लिखा नियते पूर्वा पर ये निर्धारित जाति सिद्धति जहाँ पूर्वा पर निर्धारण वहाँ पे निर्धारण है पूर्वा अपर पूर्व अपर निर्धारण जहाँ पे है वहाँ पे जन्म सिद्ध होता है और जहाँ पे पूर्वा पर निर्धारण नहीं होता है वहाँ पे जन्म सिद्ध नहीं होता है। निर्धारण के अभाव है वहाँ पे क्या होता है जन्म सिद्ध नहीं होता ये अभिप्रेत है। अच्छा इसलिए पूर्वा पर अपर ज्ञानम अजादे परिधि हम देखिए इस स्लाइड से ये अन्य व्यतिरिक दोनों दिखा दिया ऊपर और पूर्वार्थ का निष्कर्ष निकाल करके टीकाकार दिखा दिया मतलब क्या दिखा है नियते पूर्वा पर ये निर्धारित जाति सिद्धति तद अभाव पूर्वा पर निर्धारण के अभाव हो जाने पर उसकी जाति सिद्ध नहीं होता ये अति प्रत्यय। अब द्वितीय अर्थ क्या जायमाना धिवय काल या उसके ऊपर देखिए बोलते हैं द्वितीय अर्थ विभजते जायमान ही इति जायमाना भाष्यवान जायमान ही चे धर्म विहते प्रथम तस्मात् पूर्व कारणम न गृह्यते उत्पत्ति होते हुए यदि कोई कार्यों को आपको दिखाई दे रहा है तो उसका कारण आपको क्यों नहीं दिखाई देगा उसका कारण क्यों नहीं दिखाई देगा ये बहुत मतलब कितना फॉर्म लॉजिक है। तो आप यदि बोलेंगे नहीं नहीं ये अत्यंत तो सूक्ष्म वस्तु है इसीलिए दिखाई नहीं देता ये अत्यंत तो सूक्ष्म वस्तु है इसे दिखाई नहीं देता तो जब सूक्ष्म वस्तु है जिसको आपको पकड़ नहीं पाओ उत्पत्ति कैसे हो सकता है बोलिए जैसे मृत्तिका से घरा उत्पत्ति होते घरा मृत्तिका नामक वस्तु को पकड़ में आना चाहिए तंतु से पट उत्पन्न होता है तंतु के ऊपर मतलब जिससे कुछ उत्पन्न और परिणाम होता है वो परिच्छिन्न वस्तु होता है और परिणामी वस्तु होता है। अब अपरिच्छिन्न अपरिणामी वस्तु को पकड़ के कैसे उत्पत्ति कर लोगे बताएगा ही नहीं पकड़ यही तो अजात सिद्ध क्योंकि जगत के मूल कारण के रूप में जिसको दिखाया गया है वो क्या है व्यापक है अपरिणामी अभिकारी है और आप परिणाम बाद में भिकारी हैं आप इसको जरा उसको कैसे सिद्ध करोगे। इसलिए आप बोलते हैं कि जायमान ही चेत धर्म यदि धर्म देखिए पांच नंबर टिप मतलब कार्य धर्म मतलब कार्य यदि कोई कार्य को उत्पत्ति होते हुए दिखाई दे रहा है ग्रहण हो रहा है किसी कार्य को उत्पत्ति होते ग्रहण हो रहा है प्रथम तस्मात पूर्वम तो उससे पहले जो कारण है प्रथम तस्मात कार्यात पूर्वम कारण न गृह्यते तब उसके पहले कार्य से नहीं होते पूर्व कारण तो कारण का ग्रहण क्यों नहीं होगा कारण का ग्रहण क्यों नहीं होगा वो भी होना चाहिए। जायमान ही चे धर्म गृह्यते जायमान कार्य यदि कोई कार्य को उत्पत्ति होते हुए आपको ग्रहण हो रहा है प्रथम तस्मात पूर्वम कारण न गृह्यते तब उससे विद्यमान उससे पहले विद्यमान जो कारण है उसका ग्रहण क्यों नहीं हो। अच्छा नंबर टिप्पणी तरही दिशा तब उसका कारण ग्रहण क्यों नहीं होगा तरही मतलब तब तो उसका कारण भी ग्रहण होना चाहिए कारण न गृह्यते तरही यदि आपको कार्य को उत्पत्ति होते दिखाई दे रहा है इस प्रकार खरा मृतिका से खरा उत्पत्ति होते आपको दिखाई दे रहा है कुम्हार भी दिखाई दे रहा है दिखाई देता है यदि ऐसा ही किसी कार्य को कारण से उत्पन्न जगत सृष्टि को लेकर तो बोला जा रहा है ध्यान रखना कहाँ पे लेता है जगत सृष्टि को लेकर यदि इसी प्रकार जगत की भी सृष्टि हुई होती तब उसका भी कोई कारण ग्रहण होता आप तो उस कारण को मानने के सृष्टि ने जो कारण बताती है तो मानने की तैयारी नहीं जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कौन है जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण वेदांतिक सिद्धांत कौन से कौन है ये अभिन्न निमित्त उपादान कारण बोलने से वहाँ पर परिणाम बात का खंडन हो जाता है विवर्तवाद सिद्ध हो जाता है क्योंकि ये जो व्यक्ति उपादान है वही उसका निमित्त भी है तो उपादान है उसके निमित्त है। यही जो देखो कि जो विभूति पाद में दसम अध्याय में भगवान ने सारे विभूति को वर्णन किया और एकादश अध्याय में आकर कर्म सारा जगत को बनाया परंतु जो जगत को बनाने वाला है जैसे कुम्हार घर से अलग है और उपादान घर अलग है मतलब उसका मृत्यु का अलग है इसी प्रकार भगवान ने भी आप आत्मे से भिन्नों के उपादान से बनाया होगा ऐसे शंका होने पर अर्जुन के मुझसे प्रश्न उठाया कि मेरे को अपना ये दिखाओ मतलब तब क्या दिखाया भगवान दिखाना शुरू किया था विश्व रूप और दिखाया क्या प्रलय रूप मतलब सारा मुझ में लय प्राप्त करते हैं कोई भी कार्य कहाँ लय प्राप्त करते हैं
अपने उपादान कारण में लय प्राप्त करते हैं, निमित्त कारण में लय प्राप्त नहीं करता। हरा जो है कुमार में लय प्राप्त नहीं करता, कहाँ कुमार लय प्राप्त करते हैं, उपादान कारण। एक जगत के उपादान कारण को मैं स्पष्ट रूप में दिखा विश्व रूप, ये विश्व रूप दर्शन का छुपा हुआ अर्थ है, ये उसका इसी तो गुणार्थ दीपिका ना, इसका अंदर छुपा हुआ का दिन प्रकाशित वस्तु होता है। विभूति जो है उसमें क्या है, विभूति जो है भगवान अपने से सारा चीज उत्पन्न हुआ, अपना से उत्पन्न होता है भगवान, नहीं देखा ना सारा रूप मेरा ही है, तो भगवान सबको उत्पन्न किया तो शंका होता है कि तो भगवान केवल निमित्त कारण हमको उपादान नहीं होगा, निमित्त कारण हमको जब तक बोला कृष्ण वास्तुष्ण मानव धना जिस बोला होता है नहीं हो सकते, परंतु भगवान निमित्त कारण हो सकता है नहीं, परंतु जब आप उसमें लय दिखा रहे हैं वो लय से कैसे जोड़ता है, उपादान कारण भगवान, क्योंकि कभी भी कोई कार्य उपादान कारण छोड़कर कांड उसमें लय नहीं होता। तो इसी से यहाँ पे ये जो विवर्त बात है हर प्रकार से आप युक्ति के द्वारा देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वेदांत सिद्धांत कितना पक्का है। इसलिए बोलते हैं यदि आपको कार्य को उत्पत्ति होते हुए दिखाई दे रहा है तो उसका कारण क्यों नहीं ग्रहण होगा, तो कारण भी ग्रहण होना चाहिए। इसलिए आप बोलते हैं महाराज एक बार फिर से बोलता हूँ, और विभूति योग में भगवान दिखाया, भगवान खुद निमित्त कारण है, नहीं भगवान सारा जगत का ही, सारा जगत ही भगवान का रूप है, भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और विश्व रूप दर्शन में भगवान दिखाया, भगवान अपना उपादान उपादान कारण भी नहीं जगत में लय प्राप्त, इससे प्रमाण होता है विवर्त का, इससे क्या होता है अभिन्न निमित्त उपादान कारण, इससे क्या हो गया जो निमित्त कारण है वही उपादान कारण है, ये जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण वेदांतिक सिद्धांत है वो, क्योंकि ये तत्पथ शोधन के लिए प्रक्रिया है, कौन सा ये सप्तम अध्याय से लेकर के द्वादश अध्याय का प्रक्रिया क्या है, तत्पथ की शोधन, तत्पथ शुद्ध तत्व को समझना, अब कैसे समझ पाते शुद्ध, ये विवर्त बात को नहीं समझ में शुद्ध तत्व समझ में नहीं आए, परिणाम बात समझ में आता है, परिणाम बात समझ में आता है, इसीलिए यहाँ पे ये बोलते हैं नियत वर्ग पर निर्धारित जाति सिद्ध तथा प्रभावित सिद्ध द्वितीय अर्थ विभाजन जायमाना कि चेत धर्म गृह्यते कथम तस्मात पूर्व कारण न गृह्यते, तो उसके पूर्व कारण का तरी तब उसका कारण क्यों नहीं ग्रहण होगा, तरी शेष तब क्यों नहीं ग्रहण होगा। आगे और बोलते हैं कार्य ग्रहणे टीका में कारण ग्रहितव्य कुत नियम्यते, कार्य का ग्रहण होने पर उसका कारण का भी ग्रहण करना चाहिए, होना चाहिए, कार्य ग्रहण कारण ग्रहितव्य कुत नियम, ये नियम ये नियम तुम क्यों कर रहे हो, तो कार्य ग्रहण कारण ग्रहितव्य कुत नियम तत्रो, आप बताओ, ये पूर्ववादी बोलता है, पूर्ववादी शंका कर रहे हैं, तो सिद्धांत पक्ष उत्तर दे रहे हैं, तुम्हें जब घरा उत्पत्ति होते दिखाई देता है तब उस समय उसको उपादान कारण निमित्त कारण दिखाई देता है कि नहीं देखा देता, खरा की उत्पत्ति कहाँ, खरा बाजार से खरीदो बात अलग है, उत्पन्न मानव कार्य को किसी वस्तु की उत्पत्ति होते हुए दिखाई दे रहा है तब उसको उत्पत्ति दिखाई दे रहा है, कहाँ से उत्पत्ति हो रही क्यों नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई देना चाहिए आप, इसलिए बोलते हैं तुम ये नियमन क्यों कर रहे हो, तो तीसरे कह रहे कार्य ग्रहण कारण ग्रहितव्यम इति कुत नियम न थे, ये नियम कैसे, तत्र आह अवश्य में जायमानस ग्रहित्रा तजनकम ग्रहितव्यम, जिस ग्रहित्रा ये कौन सा विभक्ति वचन होगा, प्रतिपदी क्या होगा, ग्रहितुरी, उसका तृतीय एक वचन मतलब ग्रहण करने वालों के द्वारा, क्या कौन ग्रहण, क्या ग्रहण कर रहे हो, जायमानस्य कार्यस्य है ना, उत्पन्न हो रहे कार्य को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा, तब जनकत्वम ग्रहितत्व उसका पैदा करने वाला कौन है उसका भी तो ग्रहण होगा, यदि कोई व्यक्ति किसी की उत्पत्ति दिखाई दे रहा है, किसी को उत्पत्ति दिखाई दे रहा है तब उस व्यक्ति को उत्पन्न करने वाला कौन है, ग्रहण होगा कि नहीं होगा, इसलिए हमें बोलते हैं अवश्य में जायमानस ग्रहित्रा मतलब उत्पत्ति हो रहा है जो वस्तु उसका जो ग्रहण हो रहा है जिसके द्वारा, तब जनक उस जायमान वस्तु का जनक है उसका भी ग्रहण होता है, सामान्य नियम है अवश्य है, इसीलिए यदि आपको कोई संसार में वस्तु उत्पत्ति होते दिखाई दे रहा है, इस जगत सृष्टि अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको सृष्टि का मूल उपादान का भी आपको दिखाई देना चाहिए था, और जब तक आप शास्त्र को सहारा नहीं लेंगे इससे क्या कहना चाहते हैं, यदि आपको मूल उपादान देखना है तो आप अपने आँख से तो नहीं देख सकते, एकमात्र शास्त्रीय अवलंबन है, पूरा के पूरा शास्त्र को नहीं चलो तब पता लगेगा कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरे से सारा चीज उत्पन्न है वही अपने आप कहता है कि अरे इसके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, जो व्यक्ति कहता है कि मुझसे सारा चीज उत्पन्न है वही व्यक्ति अपने आप क्या कह रहे हैं मेरे साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है,
यानी कि ये पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं अभिप्राय है इसका। इसलिए कार्तवन कारण गृहितव्य तत्र अवश्य ही अवश्य में जाए मानस ग्रहित्व तक जनक ग्रहित क्यों जन्म जनक हो संबंध से अनपेतवाद जन्म और जनक है ना उत्पत्ति हो रही है जन्म और जनक होता है उत्पन्न करने वाला उत्पत्तिशील वस्तु और उत्पन्न करने वाला इन दोनों में जो संबंध हो अलग नहीं किया जा सकता है। जब किसी के उपादान कारण से जो कार्य उत्पन्न हो रहा है यदि कार्य उत्पत्ति होते हुए दिखाई दे रहा है उसको उपादान कारण कोई जरूर ग्रहण होगा इसीलिए उसके बिना आप नहीं देख सकते। जन्म जनक हो संबंध अनपेतत्वात् मतलब उत्पन्न होने योग्य वस्तु और उत्पन्न करने वाला जन्य और जनक इन दोनों का संबंध जनक के बीच में संबंध है अनपेतत्वात् उसको अलग नहीं किया जा सकता है अनपेतत्वात्। देखो सात नंबर टिप्पणी संबंध से निरूप निरूपक भावात्मक ये निरूप निरूपक मतलब ये हो गया कार्य हो गया निरूप्य और ये होगा निरूपक सॉरी कार्यों के द्वारा उल्टा भी कर सकते हैं कार्य करने से निरूपण में निरूपण करने वाला और निरूपण होने योग्य वस्तु निरूपण निरूपक है कारण निरूपक हो गया कार्य पहला कार्य मतलब भरा प्रति कार्य कार्य दिखाई दे रहे हैं आपको वो किसका निरूपण करेगा इसके अंदर जिसको पता तेल तेल निरूपण करते हैं कहाँ से तिल से जो निकला हुआ जो कहाँ से आया हुआ है कहाँ से आया हुआ कार्य को देख कर यहाँ पे जो टिप्पणी बोलते ना कार्य तस्व कारण निरूपण है ना निरूपते ना ठीक है ना कार्य तस्व कार्यत्व जो भी धर्म क्या होता है कारणत्व निरूप्य ये जन्य निरूप्य मतलब कार्य हो गया निरूपक निर्धारण करने वाला किसका कारण का मतलब इस प्रकार के कार्य किस कारण से उत्पन्न हो सकते हैं इस अभ्यास अभिप्राय से बोलना है जन्म जनक संबंध से संबंध मतलब क्या हो गया सात नंबर टिप्पणी निरूप्य निरूपक भावात्मक संबंध से अब यहाँ तक दो भी है मतलब कार्य कारण का निरूपण करता है कारण कार्य दिखाता है इस प्रकार से निरूपण निरूपक भावात्मक से संबंध है इस अनपेतत्व मतलब नियतत्व जो आप मतलब हमेशा जुड़ा हुआ रहे जिसको आप अलग नहीं कर सकते जिससे जो वस्तु उत्पन्न होता है उस वस्तु को उत्पत्ति के लिए आप उसी कारण के ग्रहण करते हैं। दूध दही चाहने वाला व्यक्ति दूध को ही लाता है तेल चाहने वाला व्यक्ति तिल को ही लाता है ना इसलिए बोलते हैं यहाँ पे नियतत्व आते नियत होने के कारण निर्दिष्ट होने के कारण तस्मात अजाते पर तो आप ऐसा निरूप निरूपक भाव निरूपण नहीं कर पा रहे हो बोलो तो क्या होता है आप ये बताओ तिल से तेल उत्पन्न हुआ अब तेल से फिर तिल उत्पन्न होगा कहता है चाहे दूसरा ही तेल क्यों ना हो जाए समझ में आ रहा है तिल से तेल उत्पन्न होगा आपको कहो कि उसी तेल से फिर तिल उत्पन्न होगा चाहे दूसरा तिल क्यों ना होगा क्या नहीं होता है इसलिए कारण कारण भाव पर निरूपण निरूपक जो भाव है वह नियत रहता है आप यहाँ पर निरूपण नहीं कर पा रहे हो अदृष्ट और संघात में कौन किसके साथ है यानी कि यहाँ पर उत्पत्ति हुई नहीं उत्पत्ति हुई नहीं इसीलिए फिर बोलते हैं तस्मात अजाति परिदीपकम इसीलिए ये अजाति के मतलब जन्म रहित तो कई बोधक है प्रकृष्ट बोधक अगो बोधकम तत्ति तब यहाँ पे नौ नंबर टिप्पणी में तत् मतलब वो जो कार्य कारण भाव अनवधारणम मतलब कार्य कारण भाव को आप निश्चय नहीं कर पा रहे हो इन दोनों में अदृष्ट और संघात में कार्य कारण भाव को आप निरूपण नहीं कर इसको लेकर के आपको विचार है ये जो नहीं निरूपण कर रहे इसका मतलब क्या है इन दोनों के बीच में कार्य कारण भाव होना संबंध नहीं है इसलिए बोलता है तस्मा इसलिए क्यों इसलिए क्योंकि जिसके अंदर कार्य कारण भाव को निर्धारण नहीं किया जा सकता इसलिए वो क्या होता है अजाति का परिदीपक है तब वो वस्तु अजाति का बोधक है तत्व के अर्थ करते हैं कार्य कारण भाव अनवधारणम कार्य कारण भाव को निश्चय नहीं कर पाना यह अजाति का बोधक होता है वहाँ पर देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं कार्य ग्रहण कारण गृहित नियमित तत्र अहम अवश्य ही कार्य कारण नियत संबंधवत इतर इतर आश्रया दुर्ग्राह्यवा अजाति वस्तु तो ज्ञापिता उपसंहरती उपसंहरित उपसंहरित इसको उपसंहार कर दिया गया तस्मा उपसंहरित कार्य कारण नियत संबंध कार्य और कारण उनमें क्या है नियत संबंध रहता है कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता मतलब जिस प्रकार मिट्टी का सही आपका घर तिल से ही तेल ठीक है ना इसी प्रकार से दूध से ही दही ये कार्य और कारण में नियत संबंध
इस प्रकार नियत संबंध वाले दो वस्तु का कार्य कारण है ना षष्ठी दिवत नियत संबंध वत ये भी षष्ठी दिवत नियत संबंध रख लें दोनों का इतर इतर अस्त्रिया परंतु हम यहाँ पे ये संघात और अदृष्ट इन दोनों एक इतर इतर अस्त्रिया होने के कारण इसलिए शरीर की उत्पत्ति नहीं हुई। बाकी जगत सृष्टि को छोड़ दो क्योंकि इसका हमारे जहाँ पे हमारा समस्या है उसको लेकर के निर्णय करना आसान हो जाता है। इसीलिए इतर इतर अस्त्रिया दुर्ग्रहत्व मतलब ये कौन पहला इसको ग्रहण करना कठिन होने के कारण अजाति एवं वास्तविक जन्म राहित्व ही वस्तुत ज्ञापिता पारमार्थिक दृष्टि यही जो है श्रुति बहन कहना चाहते हैं यदि उपसंहरित इस प्रकार से पहले उपसंहार कर देगा तो अभी यहाँ उपसंहार किया जाता है तस्मात अजाति परिदीपकम तत्ति इस प्रकार कार्यकर्ता नहीं कर पाना यही जो है अजाति का बोधक है। कार्य कारण दुर्ज्ञानत्म तत्शब्देन परामृश्यते जो तत्शब्द कहाँ आया तस्मात अजाति परिदीपकम तत् तत् के ऊपर टिप्पणी कर भी टिप्पणी लिखा मतलब का कार्य कार्यकरण भव अनवधारण ठीक है ना ये कार्यकरण भव की जो निश्चय नहीं कर पाने से बोलता है कार्यकरण दुर्ज्ञानत्म जो कार्यकरण इसको कर जिसको ज्ञान नहीं हो पा रहा है ना उसके अंदर इसके तत्शब्दों के द्वारा परामृश के तत्शब्देन परामृश्यते तत्शब्द के द्वारा उस कौन सा तत्शब्द तस्मात भी एक तत्शब्द है और तद भी एक तत्शब्द है नेक्स्ट बार लास्ट बार तत इति तत में तो हमें तत इति परामृश्यते मतलब परामर्श दे रहे हैं परामृश्यते मतलब परामर्श किया जाता है परामर्श किया जाता है मतलब किया परामर्श होता है जो कार्य कारण संभव नहीं है कार्य का दुर्ज्ञान तो तत्शब्द है इसको तत्शब्द तत्शब्द के द्वारा कार्य कारण भाव को निरूपण करना संभव नहीं है ये कहना यहाँ पर परामर्श तत्शब्द के द्वारा इसको परामर्श मतलब ये दिखाया जाता है परामर्श करना मतलब क्या हो गया कि इसके साथ निर्णय करना बातचीत करके निर्णय करना इस प्रकार आगे पीछे विचार करके ही निर्णय होता है क्या इतर शब्द के द्वारा क्या ये भी नेति नेति करके प्रमाण क्योंकि वो अजात पर डायरेक्ट प्रमाण नहीं कर रहा है ये क्या किया अपनी प्रज्ञारूपी मंथन दंड के द्वारा पूरा वेद को मंथन करके तो अभी अजातवाद निकलता है। जिस प्रकार दूध के अंदर दही अथवा फैट वहाँ पे विद्यमान है हमको दिखाई नहीं पड़ता परंतु क्या करना पड़ता है दही जमाओ फिर मठा लगाओ तब जाकर वहाँ से निकाल करके आते हैं। ठीक इसी प्रकार समस्त श्रुति वाक्यों को जो आप जो है एक जगह पे रख करके उसको दिमाग में जमाएंगे दिमाग में जमाने के बाद बुद्धि के द्वारा खूब अच्छी तरह से आलोड़न करेंगे तब उससे क्या निकाल जाएगा अरे सृष्टि होना संभव ही नहीं सृष्टि होना संभव ही नहीं है सीधा सीधा श्रुति वाक्य नहीं मिले मतलब श्रुति वाक्य का आधार पर अथा तो आदेश नेति नेति वाचारम्भनम विकार नाम ध्येयम इस प्रकार से जो है इन वाक्यों को आधार पर जो है ये निर्णय होता है कि पारमार्थिक सृष्टि होना संभव नहीं है। यहाँ तक तो एक घटक ले गया अब जो है एक नया विचार को ला करके दिखा रहे हैं छह प्रकार से विकल्प करें वस्तु अपने आप उत्पन्न होगा कि दूसरे से उत्पन्न होगा अथवा अपना और पर दोनों मिलकर उत्पन्न होगा सत से उत्पन्न होगा असत से उत्पन्न होगा तो सत असत मिलकर उत्पन्न होगा छह विकल्प करते हैं किसी प्रकार से उत्पत्ति होना संभव नहीं इसलिए भी जो है विकल्प होना संभव नहीं है। देखिए बोल रहे इतस्य न जायते किंचित इस कारण से भी कुछ सृष्टि होना संभव नहीं है। उसके ऊपर टीका करते कि आपको टिप्पणी है उसी के ऊपर टिप्पणी इत बक्षमानात जन्म प्रयोजक असंभव रूपात हेतु इति अर्थ आगे जो आपका उत्पत्ति होने के लिए आपको सत का उत्पत्ति असत का उत्पत्ति सत से उत्पत्ति असत की उत्पत्ति एक की उत्पत्ति अनेक से उत्पत्ति ये सब विकल्प करेंगे छह प्रकार से विकल्प करके इसलिए बोलते हैं बक्षमाना आगे बोला जा रहा है जिसका उससे जन्म प्रयोजक असंभव रूपा उससे क्या लिखाएगा जन्म होने के लिए जो कारण चाहिए वो कारण होना संभव ही नहीं होने का प्रयोजक असंभव रूपा हेतु और इति अर्थ उपाद ध लिखा है कि ह लिखा है एक नंबर टिप्पण में देखिए ना बक्षमानात जन्म प्रयोजक असंभव रूपात भेदो ठीक है कि नहीं ठीक है कि गलत है ठीक है वो अच्छा अच्छा द प्लस ह मिलके ध मिलके नहीं ह
हकार जो इस वर्ग के बाद में आता है उस वर्ग के चतुर्थ वर्ग में बदल जाता है, ध्वयोहन दर्श, इसलिए वहाँ पे वो ठीक है, वो असंभव रूपात हेतु हो पढ़ेंगे क्या हम, हेतु हो कलिंग पर मजादार जब पढ़ेंगे उसके सम उद्धरता, तो अब जब व्याकरण के विषयों पर लिखेंगे तब क्या लिखा वहाँ पे देखो, सम उद्धरता लिखा। देखिए श्लोक नंबर कितना है? हाँ, 12 नंबर की अध्याय की 6 श्लोक देखिए, जैसे जगत धात्री, जगत धात्री वो भी होता है उदाहरण करने वाला, और यदि हर्ता मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे हर्ता, यदि ह लिखा होता है तब व्याकरण के समय ध लिखना पड़ता है, जिस यहाँ पे लिखा हुआ है धे, तो यहाँ पे इसका इधर देखो उत उपसर्ग है, जैसे पाद है दकार, यहाँ पे लिखा है असंभव रूपात दकार है, यहाँ पे आगे है ह, हकार दकार को देख करके धकार हो गया, ठीक है ना, अब वहाँ पे सम उद दकार है और उसके बाद हमने बोला हकार है, तो क्या लिखेंगे आप, तब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे, समुद्धरता की समुद्धरता, समुद्धरता उद्धार करता ध, तो धारण ध शब्द का मतलब धारण करता, और ह शब्द का मतलब हरण करता, मतलब हटा लेना, धृ धातु है या ह्री धातु है, ह्री हरणे धृ धारणे, और दोनों अर्थ वहाँ पे घट रहा है, धृ धारणे, धृ धारणे और ह्री हरणे, ह्री हरणे, जो दोनों धातु के अर्थ वहाँ पे घट रहे हैं और दोनों एक उसी रूप में दिखेगा, उसी रूप में दिखेगा, तो पहले से ही है उनके एनालिसिस, भगवान भाष्यकार को वहाँ पे देखना, यहाँ पे मतलब क्या है, उद्धार करता, उद्धार करता, उद्धार करता का उद्धरण करना, उद्धार बीच से उद्धार करना मतलब उद्धरण करना, मतलब हरण करना, हाँ उद्धार आप बोलो उसको बीच से निकाल दिए उद्धार कर दिए, परंतु मधुसूदन सरस्वती बोलते हैं धारण करना, उद्धरण उद्धृत हम बोलिया, और बोलते हैं कि इस संसार सब से निकाल करके अपने में मिला लेते हैं, धारण करके रखते हैं, यहाँ पे भगवान शंकराचार्य ऐसा बोला, मेरा इसके साथ कोई विरोध नहीं, पहली प्रतिज्ञा किया जो भगवान शंकराचार्य ने बोला मैं उसको दोबारा नहीं बोलूंगा, शुरू में बिल्कुल शुरू में प्रतिज्ञा किया, शुरू में जो शंकराचार्य ने बोला मैंने उसको देखा उसको नहीं बोलूंगा, मैं उसके भिन्न करके जो अर्थ हमारे प्रकाशित है उसको मैं, और अपने अपने किसी एक दो जगह पे बोला शंकर जन ने ऐसा बोला है इसके साथ हमारे कोई असुविधा नहीं, आप इसका ही अर्थ बताएं, और कभी कभी ऐसे भी बोला गया शंकर जन जो ये बोला मैं ये मानता नहीं, ना मानता हूँ ये तो नहीं बोला, कभी नहीं बोला, यहाँ शंकराचार्य का नाम दूसरे का उन लोगों ने ये कभी नहीं बोला, श्रीधर स्वामी को, श्रीधर स्वामी वो भी एक संत है, बड़ा उनका सब प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो तो श्रीधर स्वामी का भी टिकर है, बहुत अच्छा भगवान वो कहाँ का है कब ये तो पुस्तक में पता लगेगा, श्रीधर स्वामी का भी टीका है, श्रीधर ने टीका बोलते हैं उसको, शंकराचार्य का पहले बार है या बाद का, पहले है शंकराचार्य पहले है, क्यों भगवद गीता के अष्टम अध्याय में, भगवत गीता के अष्टम अध्याय में अर्जुन का प्रश्न उठाया गया है, किम तद ब्रह्म किम अर्थक किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत किम प्रीतम अधिदेव किम उच्यते अधियोग कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन, यहाँ पे भगवान भाष्यकर बोलते हैं अर्जुन ने 7 प्रश्न किया, और उसको बोलते समय व्याख्यान करते समय बोल रहे हैं कि किसी ने इसका 8 प्रश्न भी मान लिया, टीकाकार वहाँ पर उसका नाम देता है किसी ने माना, मतलब इससे लगता है श्रीधर स्वामी भगवान भाष्यकर के पहले लिखा हुआ, केवल एक ही जगह में पता लगा अष्टम अध्याय की, जहाँ पे अर्जुन ने 7 प्रश्न उठाया भगवान भाष्यकर वहाँ पे मेंशन करते हैं 7 ही प्रश्न है यहाँ पे, इसीलिए गीता में कितना श्लोक है कई कई 701 बोलते हैं भगवान भाष्यकर बोलते हैं 700 श्लोक है, 13वें अध्याय की पहला श्लोक जहाँ अर्जुन के नाम पे लिखा गया था, हाँ तो इस प्रकार से उसकी व्याख्या में केवल ये मिला, भगवान भाष्यकर इतना बोलते हैं किसी ने इसको 8 प्रश्न भी माना,
परंतु ये आठ प्रश्न शास्त्र बहुत सारे जगह में श्रीधर स्वामी का नाम आता है। हाँ, बहुत सारे जगह सम्मान का साथ है, सम्मान के साथ आता है, सम्मान के साथ आता है। वो कोई अधिकतर भक्ति के ऊपर आश्रय करते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसको तो मान देते हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी हमको इसी के आधार पर मैं ये मन लगता है श्रीधर स्वामी भगवान भाषा से पहले और जिसमें जब भगवान कृष्ण के रूप मन मान उपासना करते जो भगवान को उपासना करते क्या अद्भुत रूप का वर्णन है, अद्भुत समन्वय हमारे। ठीक है, आज यही पे रखते हैं, कल देखेंगे। आज कौन सा होगा, पहला वाला न कि दूसरा वाला? दूसरा समुद्रे कारुणाहारे पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं नारायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये।